Hello dear friends, welcome back to Shomennath's YouTube channel. For right information at right time, don't forget to subscribe Shomennath YouTube channel. देखिए इस चैनल में आपको सही न्यूज़ मिलता है, अगर ये सही न्यूज़ आपको चाहिए तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना डोंट सब्सक्राइब प्लीज़, दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्या है। देखिए मकाउत का जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का दो ग्रुप है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, एक तो है सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर बैकलॉग एग्जामिनेशंस, और दूसरा वाला जो ग्रुप है ये है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर बैकलॉग एग्जामिनेशंस। इसके अलावा और भी जो है जैसे कि समझ लीजिए किसी का 5 साल का कोर्स है तो 8 सेमेस्टर, वैसे ही 5 साल का कोर्स है तो 7 सेमेस्टर भी लागू हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 4 साल का पकड़ के, यहाँ की आपका ग्रेजुएशन 4 इयर्स है, 3 इयर्स एंड 4 इयर्स जो ग्रेजुएशन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मेनली। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो ग्रुप है इसमें क्वेश्चन यही है कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर बैकलॉग एग्जामिनेशन कब होगा। जो स्टूडेंट्स पास आउट कर गए हैं उन लोगों के लिए भी यही क्वेश्चन ये दोहरा रहे हैं बार बार कि हम लोग तो 7th 8th दे चुके हैं, या फिर जिन लोगों का 3 इयर्स ग्रेजुएशन है वो लोग 5th और 6th सेमेस्टर दे चुके हैं, तो उन लोगों का क्या होगा। अभी जो लोग यानी कि पास आउट जो कर गए उसका ये क्वेश्चन था। अभी दूसरा जो क्वेश्चन था है वो है कि जो स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों का जो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में बैकलॉग है, उन लोग बैकलॉग का क्या होगा। मेनली जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। सेकेंडली जो अभी ऑड सेमेस्टर में है उन लोगों का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर बैकलॉग एग्जामिनेशन कब होगा। इसके चलते जो पास आउट स्टूडेंट्स भी हैं यानी कि फिर लास्ट 2 सेमेस्टर एग्जाम्स, स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्जाम देके पास कर चुके हैं, उन लोगों का भी क्या होगा। तो प्रॉबेबली कौन से मंथ पे आप लोगों का एग्जाम होगा यह भी बता देते हैं आज। देखिए ठोस कोई आंसर नहीं आया हुआ है, लेकिन लग तो यही रहा है कि ये जो इवेंट सेमेस्टर्स का जितना सारा बैकलॉग पेपर्स है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर्स जो बैकलॉग है उन लोगों के लिए, और 5 साल का कोर्स के लिए 8 सेमेस्टर भी लागू होता है, तो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर का जो इवेंट का बैकलॉग है ये जनवरी महीने का लास्ट वीक में यानी कि 2021 लास्ट वीक आप लोगों का एग्ज़ाम होने का चांस है। अभी आप लोग पूछेंगे कि मैं ऑड में भी आ रहा हूँ, लेकिन जो जनवरी महीने में अगर आप लोगों का लास्ट वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट होता है जो बैकलॉग एग्ज़ाम्स इवेंट सेमेस्टर्स का, शायद फरवरी महीने के फर्स्ट वीक तक चले, तो इसमें आप लोग पूछेंगे कि कौन से मेथड पे एग्ज़ाम होगा। देखिए अभी जो डिफरेंट सूत्रों से खबर मिल रहा है उससे गवर्नमेंट शायद कॉलेज कब ओपन करेंगे इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत ही जल्दी ओपन होने का चांस है। तो यहाँ पे उसको नज़र में रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो जनवरी महीने में अगर इवेंट सेमेस्टर का जो बैकलॉग पेपर्स अगर होता है, ठीक है, अगर होता है जनवरी महीने में लास्ट वीक में यानी कि थर्ड वीक में और फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो चलने वाला हो सकता है, तो इसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कि जो जैसे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था, आपको पेपर में लिख के उसको फिर स्कैन करके सबमिट करना पड़ेगा, ये हो सकता है, या तो फिर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया जा सकता है, पैटर्न वही ही होगा, शायद 30 मार्क्स का एक नंबर का क्वेश्चन होगा यानी कि 30 questions of 1 marks इक्वल्स टू 30 एंड 20 questions of 2 marks इक्वल्स टू 40, ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है ओपन बुक सिस्टम का यानी कि आपको घर में बैठ के आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा आपका स्टूडेंट लॉगिन पे, तो वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर सादा पेज पे लिख के A4 साइज पेपर में लिख के उसको स्कैन करके उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये गया इवेंट सेमेस्टर के बारे में।
अभी ऑड सेमेस्टर के बारे में चल रहे थे। देखिए ऑड सेमेस्टर जो है लग तो ये रहा है कि अगर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए तो इसके बारे में मैं एक नया नोट इनके स्कूल कॉलेज खोलने के बारे में एक नया वीडियो बहुत ही जल्दी ला रहा हूँ आजकल के अंदर, तो विद कंफर्म न्यूज़। तो उसमें लग यही रहा है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ऑड सेमेस्टर के यानी कि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ जो सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है ये आपका होगा शायद मार्च महीने में, अगर कोई यहाँ पे डिले ना हो तो। यानी कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन है, तो अगर ऐसा नहीं होता है और सब कुछ स्मूथली चलता है तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम मार्च महीने में हो सकता है। अगर मार्च महीने में नहीं हुआ तो फिर कब जाके होगा ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। और आप लोगों का भी वही सवाल रहेगा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन में होगा कि ऑफलाइन में होगा, ये तब का तब देखा जाएगा कि तब तक सिचुएशन बहुत बदल चुका होगा क्योंकि फरवरी महीने से ही सिचुएशन बदलने की आसान नज़र आ रहा है। तो फिर आप लोगों का शायद जो ऑट सेमेस्टर हो उनका ऑफलाइन में होने का चांस ज़्यादा है। तो ये था इसके साथ। और एक मैं बात करना चाहूँगा, ये जो डब्ल्यू 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 showmennath.blogspot.com है, ये मेरा एक ब्लॉगिंग साइट है जहाँ पे आप चाहिएगा तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अम्यूजमेंट स्टोरीज बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और अपना रिव्यू दीजिए, कमेंट दीजिए सो दैट आई विल गेट इंटरेस्टेड एंड बहुत सारा आपके लोगों के लिए नया नया अर्निंग पॉसिबिलिटीज़ एज वेल एज पढ़ाई के बारे में भी यहाँ पे मैं लाना शुरू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ डू सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट फॉर डिजिटल showmennath.blogspot.com। विद दिस वी कम टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट। शेयर बहुत कम रहा है, लाइक शेयर कमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। थैंक यू।